कई सारे जो बीडीजी से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ढोल भी बजाए जा रहे हैं, नाचा भी जा रहे हैं इस मौके पर। भाजपा के बीडीजी सेल जम्मू कश्मीर के कन्वीनर ठाकुर जी इस समय हमारे साथ हैं, आज रियासी पहुंचे हैं और कई सारे जो बीडीजी से जुड़े लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और ढोल भी बजाया जा रहे हैं, नाचा भी जा रहे हैं इस मौके पर। बीडीजी जो है वो नाच रहे हैं, आखिर क्या कुछ क्या कोई नया फैसला है या पहले के फैसले पर ये मूर्ति बनाई जा रही है, ये इनसे बातचीत करने की कोशिश है। क्यों क्यों नाच रहे हैं बीडीजी, आज क्यों नाच रहे हैं, ढोल लगा रहे बजाए जा रहे हैं, कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और रियासी की धरती जो वीरों की धरती है जिस पर ऋषि कुमार कौशल जी जैसे लीडरों का जन्म हुआ था, इस धरती को मैं नमन करता हूं। तो पहली दफा मैं यहां पर आया हूं। आपने कहा कि ये लोग नाच क्यों रहे? आप भाजपा के कन्वीनर हैं जम्मू कश्मीर के बीडीजी सेल के। जी जी जी, ये बीडीजी के लोग हैं, बीडीसी थी अब बीडीजी बन गई है। पिछले यानी कि 2 मार्च 2022 को इसका ऑर्डर होम मिनिस्टर ने किया था, उसके बाद यानी कि जून के महीने में इनकी सैलरी आना शुरू हो गई। बार बार मुझे लोग बुला रहे थे कि यहाँ पर आना चाहिए आपको, अब आना मुझे टाइम नहीं लगा, बाकी जगहों पर भी जाना था। यह फैसला कोई नहीं आया, जो सैलरी जून के महीने में इनके फोन में पड़ी और फैसला पहले हुआ था उसी को लेकर ये यानी आज उनने प्रोग्राम रखा, आज इसी खुशी में ये नाच। मुझे जब बुलाया गया तो मुझे लगा कोई नया फैसला इनको लेकर आया होगा, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, जिनके नाम अभी तक नहीं ऐड किए गए हैं उनके नाम ऐड किए होंगे, लेकिन ये जिनको सैलरी मिली थी प्रोग्राम नहीं हुआ पा, मैं यहाँ नहीं आ सका तो आज हम यहाँ पर आए इसी खुशी में, लोग नाच रहे हैं क्योंकि बीडीसी का एक बहुत बड़ा मसला था, आपको पता है इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है। नहीं, मसला तो अभी भी है, मसले तो हजारों किस्म के हैं, मगर बीडीसी का मसला कुछ अलग था। बीडीसी का मसला जो था, इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया था मिलिटेंसी के अंदर, इनकी बदौलत यहाँ पर मिलिटेंसी खत्म हुई, यहाँ जो अभी भी आतंकवादी घटनाएं फिर से शुरू होती दिख रही हैं रजौरी और रियासी के एरिया में भी। ये हमारा एक प्रयास है, हमारी सरकार के प्रयास है, वो प्रयास के बदौलत आज कश्मीर भी देख रहे हैं आप कैसी हालात है, क्योंकि जो हालात से बाहर निकलेंगे, हम नहीं कहते कि पूरा ही यानी खत्म हो चुका, मगर हमारे कर्नल मेजर और डीएसपी स्तर के अधिकारी जो हैं वो शहीद हुए हैं कुछ दिन पहले। बिल्कुल हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो 60 साल के ऊपर है, क्योंकि पहले जो था जनरल खाता था, अब इनको तनख्वाह लगी है 60 साल के ऊपर, उनको रिटायर किया जा रहा है, उनकी जगह उनके फैमिली के किसी फर्द को लिया जाएगा, किसी घर के फैमिली के मेंबर को जिसकी उम्र 37 साल वो फिजिकली फिट हो उसको राइफल मिलेगी। चलिए, अंदर बैठक भी होगी, बैठक में क्या कुछ बातचीत होगी? बैठक में बातचीत होगी, एक तो यही बात होगी कि आगे जो इनकी मांगे हैं वो सुनी जाएंगी और उन्हें हल किया जाएगा, कोई होम मिनिस्ट्री में बातचीत चल रही है। आपको लगता है कि ये बात होम मिनिस्ट्री ने सुनी, देश की सरकार ने सुनी, तब जाके ये मसला हल हुआ, क्योंकि ये 30,000 लोगों का मसला था, 22,000 ऐसे लोग थे जिनको तनख्वाह मिलती थी, आपस में झगड़ा हुआ इनको, क्योंकि वो तीन तीन आदमी कमांडर बनाए थे, वो पहले बांटते थे, बाद में उन्होंने बांटना बंद कर दिया। अब अकाउंट में जाएंगे सीधे, अब सीधे अकाउंट में जाने शुरू हो गए, जाएंगे नहीं जाने शुरू हो गए, जाने शुरू हो गए। यहाँ भी लगता है मुझे, जो मेरे पास रिपोर्ट है, लगभग 300-400 मेंबरों के खाते में पैसे चले गए हैं, तो इसी को लेकर आज खुशी मनाई जा रही है और आप यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा जो इशू रखा आपने कि जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला, देखिए बीडीसी का मसला हल हो चुका है, अब आस्ता आस्ता यहाँ पे जब आप ऊपर खड़े थे नीचे ये नाच रहे थे, कुछ से हमने बातचीत की तो उन्होंने कुछ मसले हमें गिनाए, जैसे कि उन्हें वेतन अभी भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यानी कि दो किस्म की बीडीसी थी यहाँ पर जब बनी गई थी, एक तो तनख्वाह मिलती थी, एक ने अपने एफिडेविट लिखकर सरकार को दिया था हमें बंदूक चाहिए, उनका यह मसला है, मसले के लिए भी बात चल रही है, एक मसला हल हो चुका है, ये भी हल हो गया, पूरी उम्मीद है। चलिए शुक्रिया, आपके पास शुक्रिया, एक मसला हल हो गया, बाकी मसले भी हल होंगे। आज बसंत ठाकुर जी जो है वो रियासी पहुंचे हैं, भाजपा के बीडीजी सेल के जम्मू कश्मीर के कन्वीनर हैं और बीडीजी द्वारा आज रियासी में रैली निकाली जा रही है।